बहुचर्चित नाभा जेल प्रकरण को लेकर उधम सिंह नगर की बाजपुर के गांव धनसारा में एनआईए ने एक गन हाउस की स्वामी के घर पर छापा मारा। हालांकि उत्तराखंड में एनआईए की दो जगह छापेमारी हुई। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह तड़के से अब तक एनआईए गन हाउस स्वामी शकील अहमद के घर पर छापेमारी कर रही थी, जिसमें पूरे परिवार से एनआईए की पूछताछ जारी है। एनआईए ने नाजिम को अपनी हिरासत में लेते हुए गन हाउस पर भी छापा मारा और जांच पड़ताल करते हुए कड़ी पूछताछ की। एसएसपी उधम सिंह नगर ने बताया कि एनआईए को कुछ खास इनपुट मिले हैं, जिसमें टीम अभी जांच कर रही है। वहीं एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी बताते हैं कि दो दिन से एनआईए टीम उनके संपर्क में थी। पुख्ता सूचना यानी कि हाई वैल्यू इनपुट थे, जिसको लेकर बहुत अहम जानकारियाँ मिली, इसीलिए एनआईए ने छापेमारी की। अली कल देर रात से लेकर प्लानिंग शुरू हुआ और आज सुबह एनआईए की पूरी टीम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर रेड मारी है इस जगह पर, और साथ में हमारा पुलिस की सारे टीम्स और हमारा पुलिस लाइन की टीम्स, आर्म्ड पुलिस और एसओजी और थाना पुलिस सब ने मिलकर टेक्निकल असिस्टेंस एंड साथ ही मैन पावर असिस्टेंस जो लॉजिस्टिक्स के साथ हमारा टीम का रहा है। एनआईए इसको लीड कर रही है, एनआईए इसको लीड करके ऑपरेशन कैरी आउट करी है। काफ़ी इनपुट्स, वैल्यूएबल इनपुट्स मिला है और जो कार्रवाई भी करेगी एनआईए इसमें शीघ्र ही, तो जो भी होगा वो सब बाद में आपको एनआईए ब्रीफ करेगा। हम इतना ही शेयर कर सकते हैं आपको, इससे हाई वैल्यू टारगेट है, अच्छी टारगेट है एंड बहुत बड़ी नेक्सस का एक पार्ट है, लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। कुछ सप्लाई कर रहे थे वो क्रिमिनल गैंग्स के लिए, तो बाकी बात की डिटेल, ये पूरा रेड ऑनगोइंग है तो इस समय बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम, ना ही बोल सकते हैं। बाद में हम आपको एनआईए की टीम अवगत करा देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। इस दौरान आज वो गोरखनाथ मंदिर में आयोजित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ की पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर चल रहे भागवत गीता कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं दोपहर बाद दिग्विजयनाथ प्रेक्षागृह में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हैं। गोरखपुर में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंचे। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर से 11 बसों को हरी झंडी दिखाकर कुशीनगर के लिए रवाना किया, जिसमें स्कूली बच्चों को भ्रमण और पर्यटन की दृष्टि से कुशीनगर में स्थित विभिन्न पर्यटन स्थलों के दर्शन भी कराए जाएंगे, ताकि बच्चे अपनी धरोहर और अपनी संस्कृति के विषय में नज़दीक से जान सकें। मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल लाइसेंस निलंबन के मामले में बुधवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अस्पताल या सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं की। अब सुनवाई की अगली तारीख 3 अक्टूबर को तय की गई। कोतवाली क्षेत्र मुसाफिरखाना के गांव पांडे का पुरवा मजरे राम शाहपुर निवासी दिव्या शुक्ला की मौत के मामले में लापरवाही के आरोप में मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस 18 सितंबर को निलंबित कर दिया गया था, जिससे अस्पताल पूरी तरीके से बंद हो गया। इससे अस्पताल के 400 से अधिक कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में हो गया। वहीं इसको लेकर लगातार कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां धरने पर बैठी हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों की पत्नी शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। वहीं अब अतीक अहमद के दोनों बेटों पर पुलिस ने एक बार फिर से शिकंजा कस दिया है। अपहरण और रंगदारी के मामले में अतीक के बड़े बेटे उमर और दूसरा बेटा अली के अलावा 4 और लोगों पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अतीक के करीबी रहे बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने 26 अप्रैल को खुल्दाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने जाँच शुरू की थी। अब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसके बाद अतीक के दोनों बेटों की मुश्किलें बढ़ने वाली। गाजीपुर में सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीण इतना परेशान हो गए कि उन्होंने विरोध करने का अनोखा तरीका निकाल लिया। दरअसल गाजीपुर के दिलदार नगर क्षेत्र का देवल मार्ग खस्ताहाल बना हुआ है। निरहू का पुरवा से देवल गांव तक जाने वाली सड़क बदहाल है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं और बारिश का पानी भर जाता है, जिसके चलते ग्रामीणों को आवागमन में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की बदहाली के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर प्रतीकात्मक रूप से धान बोकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की शिकायत है कि लंबे अरसे से सड़क बदहाल बनी हुई है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही, और इसी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध का नायाब तरीका निकाला। वहीं लोगों का कहना है कि तत्काल सड़क का निर्माण करवाया जाए।